हेलो एवरीवन, ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट सेवन में आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, ठीक है बेटा, जो कि बेस्ड होगा थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर। ठीक है बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट है क्लास टेंथ में भी यूज होता है, इलेवंथ और ट्वेल्थ में भी पूरा पूरा यूज होता है। ठीक है, मीन्स ये जो वीडियो है ये वेरी यूजफुल फॉर क्लास टेंथ, इलेवंथ एंड ट्वेल्थ, समझ में आ गया बेटा, एंड सो ऑन। उसके आगे भी अगर आप पढ़ते हैं तो ये बेसिक जो चीजें हैं आपको आनी चाहिए। फिलहाल जो है क्लास टेंथ में जो एक्सरसाइज 8.4 है उसके ऊपर ये बेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप बात करते हैं क्लास इलेवंथ की तो आप चैप्टर थ्री पढ़ेंगे तब भी आपको यूजफुल मिलेगा, और क्लास ट्वेल्थ में तो खैर ये हमेशा ही यूज होते रहते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, तो आप थोड़ा शुरू करते हैं थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से। ठीक है बेटा, पहली हमारी आइडेंटिटी होती है, आप लोगों को मैंने बता रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। ठीक है, ये हमारी पहली आइडेंटिटी होती है, और याद रखना है एक आइडेंटिटी से हमारे पास चार फॉर्मूले बन के आते हैं। पहला फॉर्मूला क्या आता है देखिएगा, एक फॉर्मूला बनेगा कि यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा यहां रखूं तो मेरा जो कोस है इधर जाके माइनस हो जाएगा, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला ही बनता है, यदि मैं चाहूं तो यहां पर साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं, इस स्क्वायर को हटा के यहां पे चढ़ा दूंगा बेटा स्क्वायर रूट चढ़ा दूंगा। समझ में आ गया ना, इस तरीके से आप लोग जो है इस फॉर्मूले को भी याद कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी हमारा फॉर्मूला होता है। फिर आप देखेंगे यहां पर आएगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखा जाएगा क्या बेटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया आप लोगों को, यदि मैं यहां से स्क्वायर हटा दूंगा तो इस पे क्या चढ़ जाएगा आप लोगों का बेटा, स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा आपका वन माइनस साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब यहीं पे मैं कुछ आपको इंपोर्टेंट फॉर्मूले बताना चाहूंगा, देखिए कि बेटा आप लोग जैसे हमारे पास क्या है, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, इसको अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं वन माइनस कोस थीटा, ब्रैकेट में लिख सकते हैं वन प्लस कोस थीटा। अब ऐसा क्यों करा हम लोगों ने ये मैं आपको समझा देता हूं। फिलहाल हम लोग ना पहली आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है बेटा, तो ये थी पहली ट्रिग्नोमेट्री, इसमें कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले मैं बता रहा हूं, ये फॉर्मूले आप एक पेज पे नोट कर लीजिएगा, अभी जब इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो ये काफी यहां पर यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है बेटा, इनके बिना हेल्प के आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करने की कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, हटा दो मैं इसको, तो देखिएगा मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एक आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी, ब्रैकेट में होता है बेटा ए प्लस बी। ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से लर्न करने होंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, वन का होल स्क्वायर माइनस इसे लिख सकते हैं कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या आप लोगों का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन जाएगा, तो एक बार सेम माइनस में और एक बार सेम प्लस में। इसी प्रकार से यदि आप लोगों के पास वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा तो उसको भी आप लोग क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन थीटा, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं अगले में वन प्लस साइन थीटा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसको रिवर्स भी ध्यान रखना है, यदि हमारे पास वन माइनस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा आएगा तो उसको हम लोग वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा। अभी बताया थोड़ी देर पहले बेटा मैंने आपको कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिएगा कोस स्क्वायर थीटा ये रहा, इधर जाके क्या हो जाएगा ये माइनस में। ठीक है, सारे के सारों का इंटरलेशन मिलेगा आप लोगों को। ठीक है बेटा, आपस में एक दूसरे जुड़े हुए फॉर्मूले होते हैं, अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, चलिएगा ये कॉन्सेप्ट मुझे काफी अच्छा लगता है, काफी यूज होगा, और अभी जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे, पहली आइडेंटिटी को टाटा बाय बाय। अब आ जाइएगा नंबर दो पे। ठीक है बेटा, नंबर दो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ठीक है, इसमें भी चार फॉर्मूले बनेंगे, पहले इधर चला जाएगा बेटा तो हमारा क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यदि मैं यहां से इसको हटाऊंगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर रूट, इसे आप खुद से लिखेंगे। ठीक है, अगला देखिएगा, अब अगर मैं इस वन को इधर भेज दूंगा है ना बेटा, तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला भी यहीं से बनता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन जो होता है वो टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो प्लस हो जाएगा, इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन जो होता है वो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यदि मैं इसको यहां से हटाऊंगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, मेरा स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसके लिए दोनों इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो आपको बनाने आ गए होंगे।
नंबर तीसरा देखिएगा, इसको भी मैं चाहूं तो एक बार बेटा sec थीटा माइनस वन अगले ब्रैकेट में sec थीटा प्लस वन लिख सकता हूं, लेकिन ध्यान रखना है बीच में माइनस आएगा तब यूज होगा। जैसे यहां पे स्क्वायर बन रहा है ये स्क्वायर, लेकिन बीच में प्लस है तो फॉर्मूला वो यूज नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसको एक बार प्लस में माइनस में नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं बन रहा है। अगला होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, इसलिए इनको आइडेंटिटी बोलते हैं कि इन दोनों को अगर हम घटाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी वन आएगी। इसी प्रकार से इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो हमारा एक फॉर्मूला तो बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और बेटा इधर माइनस में आके ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिएगा तो देखिएगा ये बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी फॉर्मूले को मैं चाहूं तो इस प्रकार से लिखूंगा कि कोट स्क्वायर जो थीटा होता है वो बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के। इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है, चाहे आप क्लास टेंथ में है, इलेवंथ में है, ट्वेल्थ में, या आप किसी भी कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन रियलिटी में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इनको, और एक पेज पे वो वाला, फिर दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे, इन तीनों पेज को खोल के बैठे रहिएगा, इनके माध्यम से आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। इसको मिटा दूं यहां पे तो फॉर्मूले हमारे काम आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर वन देखिएगा, अन्यथा वीडियो काफी बड़ी हो सकती है। तो पहला सवाल आप देख रहे हैं, और याद रखना देखो प्रूव दैट वाले क्वेश्चनों में हमें क्या करना होता है, पहले हमें बराबर देखना होता है। देखो यहां लग रहा है बराबर का साइन, ठीक है। तो मेरा जो इधर वाला पार्ट है, ये वाला जो मेरा पार्ट है, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगी, ये मेरी राइट हैंड साइड कहलाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना तो पता ही होगा। तो मैं यहां लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर मेरा आ जाएगा वन अपोन में वन प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम लोग आइडेंटिटी का यूज करते हैं, ठीक है बेटा, जो मैंने अभी लिखा था, जो फॉर्मूले मैंने अभी लिखे थे। तो सबसे पहले आप देखिएगा यहां पर डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, ठीक है। ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री में जब भी हम कोई सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी तो यूज नहीं हो रही, डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी तो यूज नहीं हो रही। अगर डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी यूज होगी, आइडेंटिटी की स्पेलिंग लिख ले पहले थी आइडेंटिटी, ये हो गया बेटा आइडेंटिटी, डायरेक्ट यूज तो नहीं हो रही। पहले हम चेक करते हैं कि अगर कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज हो रही है तो हम लोग पहले उसको यूज करते हैं, इसमें कोई भी डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज नहीं होगी, ठीक है बेटा। उसके बाद देखते हैं कि वहां पर अगर हमारे पास टेन थीटा है या कोट थीटा है या sec थीटा है तो उनको हम लोग ना साइन कोस में तोड़ लेते हैं, मींस हमें सवालों को जो है फिर साइन कोस की फॉर्म में बनाना चाहिए, ठीक है। मतलब ज्यादातर सालों में 90% सालों में यही ट्रिक लगनी है बेटा, ठीक है। पहले देखो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला या आइडेंटिटी तो नहीं है, अगर नहीं है तो फिर देखो वहां पे tan cot कुछ आ रहा होगा तो ये करो, अन्यथा इसको रेशनलाइज कर दो। क्या कर दो बेटा? रेशनलाइज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हम पार्ट 8 में करने वाले हैं, ठीक है। तो पार्ट 7 में हम लोग सिंपल बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे और मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। देखो यहां पे कोई भी डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं है तो मैं यहां पे साइन कोस में मेरा सवाल है, साइन कोस में भी नहीं तोड़ूंगा, ऑलरेडी साइन कोस में है तो मैं इसको सोल्व करना करूंगा। तो यहां पे क्या आ रहा है बेटा? प्लस आ रहा है, तो पहले मुझे क्या लेना होगा? इनका एलसीएम लेना होता है। ध्यान रखना एलसीएम दो ही कंडीशन लेते हैं, या तो बीच में प्लस आ रहा हो या क्या रहा हो बेटा माइनस, केवल दो साइन आपको देखने होते हैं, प्लस या माइनस। ये नहीं कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें अलग अलग देखनी पड़ती है, ओनली टू थिंग्स यू हैव टू जस्टिफाई। यहां पे देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ता है कि भाई यहां पर दो चीजें जो है प्लस या माइनस होनी चाहिए, तो हम लोग यहां पे एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने का तरीका क्या है? दोनों सेम होते हैं तो एक उतारते हैं, दोनों अलग अलग हैं तो अलग उतारना पड़ेगा। बेशक एक जैसे लग रहे हैं लेकिन एक में प्लस आ रहा है, एक में माइनस आ रहा है, तो वन माइनस साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब हमने एलसीएम लेने का क्या करना होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से। तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो वन माइनस साइन थीटा हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बेटा? वन प्लस साइन थीटा। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, जैसे आप लोगों ने क्लास 8 में सॉल्व करे होंगे ना एबीसी की फॉर्म में, बस यहां पर साइन कोस की फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है। चलिएगा तो यहां पर आप देखिएगा, क्या मैं इस साइन को इस साइन से काट सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं काटता क्योंकि बीच में इंटू का साइन आ रहा है, हम नहीं काट सकते। हाँ ऊपर देखिएगा कहीं भी इंटू नहीं आ रहा, तो इस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बड़े आराम से कैंसिल हो जाएगा। वन वन कैंसिल नहीं हुए क्योंकि ये प्लस का है और ये क्या था बेटा? माइनस। सॉरी ये दोनों प्लस के हैं क्योंकि देखो यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है, तो वन वन कितना हो जाएगा आपका? टू हो जाएगा। क्लियर है ना? अब वन प्लस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, आपको याद करिएगा मैंने लिखा था वन माइनस साइन थीटा, और अगर आपको कभी भी वन प्लस साइन थीटा मिलेगा तो उसका फॉर्मूला होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा के। फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा अगर नहीं करा, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने आप लोगों को कि वन माइनस अगर साइन स्क्वायर थीटा होता है तो उसको एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखा जा सकता है, और ये जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है कोस स्क्वायर थीटा का। तो मैं इसके स्थान पर पहले लिखना
पसंद करूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा, आइडेंटिटी लगाई मैंने ये वाली, उसके बाद मेरा ये स्टेप आएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर कभी भी आप लोगों को 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा मिलेगा तो वो हमेशा फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद यही लिखा है वहां पे, ठीक है, उसके बाद मोस्टली हमें कोस का थीटा ही लिखना होता है, हमारा आंसर फिर आ जाता है, ठीक है बेटा। तो यहां पर आप देखिएगा 2 अपॉन में मेरा आ रहा है कोस, क्या बनेगा बेटा, कोस स्क्वायर थीटा, और इतना मैंने आपको बता रखा, अगर कोस बेटा नीचे है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, वो सेक बन जाएगा, बता रखा ना आप लोगों को। यदि हमारे पास टेन थीटा है तो ये होता है 1 अपॉन में कोट थीटा, यानी कि कोट ऊपर जाएगा तो क्या बन जाता है, टेन बन जाता है। उसी प्रकार से याद रखना है, यदि ये नीचे क्या है बेटा, कोस है, हम इसको ऊपर भेजेंगे तो ये सेक बन जाएगा, अगर कोसेक होता तो साइन बन जाता, टेन होता तो कोट बन जाता, और अगर सपोज करो यहां पे साइन होता तो ऊपर जाके कोसेक बन जाता, ठीक है बेटा, याद रखना है। तो ऊपर जाके क्या बन गया, सेक बन गया। तो ये सिंपल रहेगा सेक स्क्वायर थीटा, और यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। अब क्वेश्चन ये है कि स्क्वायर का क्या करना है, स्क्वायर सेम है, अगर यहां पे क्यूब होता तो क्यूब कर देते, अगर यहां पे कुछ भी नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं करते, ठीक है। अब अगर यहां पे स्क्वायर है तो यहां भी आप लोगों को स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपको खुद से सोल्व करना है, ये वाला 2 नहीं, चलो मैं ऐसा करता हूं 4 लिख रखे हैं, ये पांचों क्वेश्चन मैं आपके लिए बना देता हूं, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं कोस थीटा बहुत आराम से, यहां पे भी कोस थीटा कर देता हूं बड़े ही आराम से, सेम यही पैटर्न यूज करके आपको तलाना है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, बिल्कुल सेम यही पैटर्न रहेगा, बस नीचे आपके पास साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, साइन ऊपर पहुंच के क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, 2 आपका सेम रहेगा, ठीक है। एक तो ये वाला साल हो गया बड़े आराम से। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बड़े आराम से, क्वेश्चन 2 में क्या है पहले पढ़िएगा, और अगर आपको आता है ना तो वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व करो, और अगर आपको मेरे साथ साथ करना है तो लिख लीजिएगा और साथ साथ दोनों सोल्व करेंगे। ये है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप देखो इसमें करना क्या है हमें प्रूफ, ये प्रूफ करना है नहीं कि यहाँ पे इंटू लाना है, यहाँ पे बीच में प्लस था यहाँ पर इंटू लाना है, अब कैसे आएगा, ये तो नहीं कि यार प्लस को हटा देते हैं इंटू लगा देते हैं, ऐसा नहीं होगा, हमें इसको सोल्व करना होगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बन रहा है, देखो डायरेक्ट तो हमारी जो आइडेंटिटी थी वो थी हमारी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक थी हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इससे भी हमारे मतलब 4 फॉर्मूले बनते हैं, इससे भी 4 फॉर्मूले बनते हैं, दो दो मैंने बना के दिखाए थे, स्क्वायर रूट लगा देते 4 बन जाते हैं वहां पर, तो इनमें से कुछ भी यहां यूज नहीं होने वाला, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, यानी कि डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं हो रही है। अगला स्टेप होता है साइन कोस में तोड़ लो, साइन कोस में तोड़ लो, तो अब मैं इन सालों को साइन कोस में तोड़ूं, क्योंकि टूट जाएंगे आराम से, क्योंकि ये जो कोसेक होता है तो मैं इसको नीचे लिखूंगा तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, या तो आप यूं समझ लीजिएगा यदि कोसेक स्क्वायर थीटा है उसको अगर मैं नीचे लिख दूंगा तो अपने आप क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, यदि हमारा सेक है तो उसको अगर मैं 1 अपॉन में लिखूंगा तो वो क्या बन जाता है, कोस स्क्वायर थीटा। इसका पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया था ना कि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में कोस, फॉर्मूला देख लीजिएगा, समझ में नहीं आ रहा है आप फिर से देखिएगा, बीच में प्लस आ रहा है तो मैं फिर से क्या लूंगा बेटा आपका एलसीएम लूंगा, बड़े ही आराम से सवाल मैंने चुने हैं कि पहले ये सवाल होने चाहिए, उल्टा सीधा कुछ नहीं, एक ही पैटर्न के सवाल करने वाला, समझ में बेटा, एक ही पैटर्न के सवाल करने वाला हूं, जल्दी में वर्ड निकल जाते हैं आगे पीछे। यहां पर आप देखिएगा, देखो प्लस में है, आप ये मल्टीप्लाई पहले कर लो या इसको कर लो, बात एक ही है। तो यहां पर हमारा आ रहा है मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा, आपको पता होगा a प्लस बी हो वो हमेशा b प्लस a के बराबर होता है, जानते हैं जानते हैं। तो हमारे पास देखो ये आइडेंटिटी बन जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 के बराबर होता है, मींस हम ऊपर क्या लिख देंगे बेटा, 1 लिख देंगे, नीचे हमारा सेम चलता रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में रहेगा कोस स्क्वायर थीटा। इतना आपको समझ में आ गया, आपको इसको साइन कोस में तोड़ना आना चाहिए, एलसीएम लेना आना चाहिए, उसके बाद जो आपने क्या करा है बेटा, अब हमने इसका जो ना आइडेंटिटी यहां पे लगा दी है, ठीक है। आप चाहे तो यहीं ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, छोटे छोटे समय था आप लिख के बता सकते हैं। अब आपका देखो आंसर आ गया, अब मैं इसको ना अलग अलग तोड़ सकता हूं, मैं इसे चाहूं तो 1 अपॉन में, अभी तो मैंने आपको बताया था अगर ये इंटू में है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऊपर भेजूंगा, इसको भी ऊपर भेजूंगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोसेक बन जाएगा। लो हमारा ऐसे आंसर आ गया, यदि साइन नीचे है इंटू में ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, इंटू का साइन सेम रहेगा, ऊपर जाके ये भी क्या बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, और आप देखिएगा ये हमारा क्या आ गया, RHS आ गया, ठीक है, बराबर नीचे बराबर मैंने लगाए हैं और मेरा बड़े ही आराम से LHS बराबर आ गया है RHS के, ठीक है, समझ में आ गया होगा ये भी आप लोगों को। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सोल्व होगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है बेटा, अब हम तीसरा करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, तीसरा।
पहले आप देखिएगा क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, यस को भी साइन को उसमें तोड़ना पड़ेगा। तो देखो ऐसा हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है ही नहीं, टेन थीटा प्लस साइन थीटा का कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, इस वाले क्वेश्चन को पहले साइन कोस में तोड़ना होगा। जो पहले ही साइन कोस में है उसको तोड़ के क्या करोगे, जो पहले ही मर गया उसको मार के क्या करोगे, ठीक है, सांप मर गया उस पर लटपट हो जा रहे हो, वो जिंदा नहीं होने वाला, ठीक है बेटा। तो ये तो सेम रहने वाला है, लेकिन जो आपका टेन थीटा है उसको हम लोग लिख लेंगे साइन थीटा अपोन में आ जाएगा मेरा कोस थीटा माइनस सॉरी प्लस ऊपर रहेगा साइन थीटा, ऊपर प्लस रहेगा साइन थीटा, नीचे फिर से हो जाएगा साइन थीटा अपोन में रहेगा कोस थीटा माइनस रहेगा साइन थीटा। मुझे उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद जो है मैं यहां पर नीचे वन मानूंगा, नीचे वन मानूंगा, और अब मैं इसका भी एलसीएम लूंगा, ठीक है बेटा। एलसीएम ले सकता हूं या फिर एक तरीका और है, यदि आपको अच्छे तरीके से मैथ आता हो तो आप ये देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से नहीं आता होगा हम सिखाएंगे ना बेटा, आता होगा का मतलब क्या हुआ, हम बताएंगे कैसे होगा सवाल ये देखिएगा। देखो ये एक अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, इन दोनों में से एक चीज कॉमन है, बताओ क्या कॉमन है, साइन थीटा कॉमन है ना, देखो काली काली से नजर आ रही होगी, तो साइन थीटा को ना बाहर निकाल लेना, ऐसे निकलता है बाहर, साइन थीटा लिख दो ब्रैकेट लगा दो, वो अपना भी बाहर हो गया, ठीक है। तो ये साइन जब यहां से बाहर निकल जाएगा तो यहां पे बचेगा वन अपॉन में कोस थीटा, लो जी बिल्कुल इजी हो गया, प्लस यहां पे बचेगा वन, उसके बाद उसी प्रकार से यहां से आप साइन बाहर ले लेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल इजी तरीका है, बेशक ये बुक का तरीका रहा हो लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल इजीएस्ट तरीका है। पहले आपने उसको साइन कोस में तोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि यहां दोनों में साइन आ रहा है, बाहर ले लो, जरूरी कैल्शियम लेके बाहर लेंगे, बिना एल्शियम लिए बाहर आओ तो बिना एल्शियम लिए आप बाहर ले लीजिएगा, ये बाहर से बाहर निकल जाएगा बाहर ही, ये तो बाहर से भारी खर्च हो गया ना बेटा, तो काम ही खत्म हुआ, और हमें आंसर क्या लाना था, sec थीटा प्लस वन sec माइनस वन, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, अभी बताया था मैंने आपको, ये हो जाएगा sec थीटा प्लस वन, ये हो जाएगा आप लोगों का sec थीटा माइनस वन, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। और ये इसी के साथ हमारी क्या आ जाएगी, RHS आ जाएगी, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बस ये देख लीजिएगा क्या यहाँ पे कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी बन रही है या नहीं बन रही, ये देखिएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम मारेंगे चौक का, तो ये है बेटा sec थीटा माइनस का tan थीटा का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन दो प्रकार से आपको बेटा दिया होता है, एक बार ये दिया होता है तो ये प्रूफ करना होता है, कभी कभी ये पहले दिया होता है ये प्रूफ करना होता है, ऐसा कोई मैटर नहीं है। देखो आप लोग ना इस साइड से इसको भी ला सकते हो, इससे इसको भी ला सकते हो, हमें तो प्रूफ करना है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इस वाली साइड से ये वाला आंसर नहीं आता है, लेकिन इस साइड से जो आंसर आएगा वो आंसर इससे भी ला सकते हैं, तब भी वो प्रूफ हो जाता है। क्या बोला मैंने, यदि हमारे पास ये साइड है इससे ये आंसर आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया, समझ करो साइन थीटा आया, तो फिर मुझे इसको भी सोल्व करके साइन थीटा लाना होगा, तब भी मेरा आंसर मान लिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हमें क्या करना है, इस वाली साइड से ये वाला आंसर लाना है, ठीक है, अगर ये नहीं आएगा तो फिर इसको भी सोल्व करेंगे, तो जो आंसर इसका आया होगा वो आंसर सिर्फ इसका आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा दोनों तरीके से हो जाएगा, बहुत सवाल तो ऐसे होते हैं, आप इससे इसको ला सकते हो, इसको इससे ला सकते हो, इसको इससे और इसको इससे लाया जा सकता है। सर क्या कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा, भाई करके दिखा देता हूं, ठीक है, आप बताइए डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है, बहुत अच्छे, हाँ सर लग रहा, नहीं बेटा देखो वो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा था, होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं था हमारे पास, ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे। हाँ यहां पे हम इसकी आइडेंटिटी खोल सकते हैं कि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हमारा होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है, बिल्कुल खोलो, इससे आपका आंसर तो लेगा, हमें तो ये आंसर लाना है, इसलिए तो दिया होता है कि आप अपनी मर्जी से वहां कुछ नहीं लगा सकते हैं, इसलिए आपको बता दिया है कि उस तरीके से करो जिससे ये आंसर आ जाए, ठीक है। अब चाहे जो भी तरीका आपके पास है आप उस तरीके से ये वाला आंसर लेके आओ। तो हमें लगता है कि हमें इसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं मिली, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो मैं इसको साइन कोस में तोड़ूंगा, क्या करूंगा, sec ऊपर है नीचे आगे क्या हो जाता है वो बेटा कोस थीटा, इस तरीके से पढ़ते हैं, और साइन मतलब ये तो मैंने देखो आपको हजार बार बता दिया है कि जब भी आपके पास tan होगा वहां पर आप ऊपर sin थीटा अपॉन में cos थीटा यूज कर सकते हैं अपना आंसर बनाने के लिए। और वैसे बेटा यहां पर आप देखिएगा आपको 1 माइनस sin 1 प्लस sin लाना है, यानी कि sin तो वैसे भी आना चाहिए, ठीक है, चलिएगा। अब मुझे आप बताओ इसका कैल्शियम कितना आएगा, इसका कैल्शियम आएगा बेटा cos थीटा, दोनों कैल्शियम ले रहा हूं, cos थीटा आएगा, थीटा आ जाइए भैया, और ऊपर भी क्या रहेगा सेम, ध्यान रखना है जब हम एलसीएम लेते हैं अगर अलग अलग टर्म है तो उन दोनों की गुणा कर देते हैं नीचे, अगर दोनों एक ही टर्म है तो दोनों में से कोई एक उतारना होता है, क्या उतारना होता है बेटा कोई भी एक, और ऊपर का फिर सेम का सेम होल स्क्वायर सेम है। अब आप देखिएगा 1 माइनस साइन थीटा का मैं होल स्क्वायर अलग कर रहा हूं अपोन में
कोस थीटा का होल स्क्वायर अलग कर रहा हूं। मींस अगर आपके पास कभी भी ए अपॉन बी का होल स्क्वायर है तो उसको आप चाहें तो ए स्क्वायर अलग अपॉन में बी स्क्वायर अलग लिख सकते हैं। उसी प्रकार से मैंने ऊपर वाले का होल स्क्वायर अलग, नीचे वाले का अलग, अभी भी आप चाहें तो इसका होल स्क्वायर खोल सकते हैं, लेकिन फिर बेटा हमारा आंसर नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसको दो बार लिखेंगे। एक बार क्या लिखेंगे, वन माइनस साइन थीटा एक बार, और फिर दोबारा, क्योंकि होल स्क्वायर मतलब है कि दो बार उसको रिपीट करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसको भी दो बार लिख सकते हैं, कोस थीटा इंटू कोस थीटा, लेकिन उससे हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसको मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर थीटा। देखो ना, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और मेरे भाइयों, मैंने अभी आपको बताया था कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो बताया नहीं बताया था। और जब भी हमारे पास वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में उसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो मैं यहां पे लिखूंगा वन माइनस साइन थीटा। ये मैंने दो बार इसे लिखा क्योंकि बेटा होल स्क्वायर हुआ था, ठीक है बेटा। होल स्क्वायर को इस तरीके से लिखा जाता है, और जब आपके पास केवल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है तो उसको आप लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब देखो क्या कैंसिल हुआ, ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, बताओ क्यों, क्योंकि बिल्कुल दोनों सेम है, इनकी बहुत प्रैक्टिस करने के बाद आपको आएगा, ठीक है। ये तो मैं बहुत इजी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, आंसर मैच कर लीजिएगा, आपका आंसर RHS आ गया होगा, ठीक है। ये देखिएगा आपका आंसर यहां पर आ गया है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है बेटा। अब इसी में हमने क्वेश्चन नंबर 5 बनाया था, अब यहां पे 6 बनाएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए थे, बाकी सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन होते हैं। यहां पे करना है आपको ओनली कोसेक थीटा, यहां पे करना है कोट थीटा, ठीक है। तो यहां पर आपको बस केवल कोस लेके आना है, कोस थीटा, और बिल्कुल सेम यही पैटर्न है, ठीक है बेटा, सेम यही पैटर्न पे, बस फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, अब हम लोग जो है इसके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर कितने हो गए हमारे, 6 हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूं। लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों को दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपोन में है बेटा कोस थीटा, फिर है प्लस में कोस थीटा, अपोन में दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा, और इसको जो हमें प्रूफ करके लाना ना आंसर, वो लाना है 2 sec थीटा, क्या लाना बेटा 2 sec थीटा। इसको मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि हमारा इनका काम खत्म हो चुका है, हमें इसका उत्तर लाना है 2 sec थीटा। बताइए कैसे करेंगे इसको आप सोल्व, इसका जो आंसर लाना है वो क्या लाना बेटा, इस बराबर में आएगा, क्वेश्चन ऐसे बना होगा, ठीक है। 7 क्वेश्चन है तो ऐसे बना होगा कि प्रूव दैट 1 प्लस साइन थीटा अपोन में कोस थीटा प्लस कोस थीटा, ऊपर देखिएगा कोस थीटा है, अपोन में है बेटा 1 प्लस साइन थीटा, इज इक्वल टू प्रूफ करके लाना है 2 sec थीटा, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा, इसमें हम सबसे पहले क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, बीच में क्या आ रहा बेटा आपका प्लस आ रहा है, तो मैं यहां पे लिखूंगा कोस थीटा, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। उसके बाद मैं ऐसे कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, बताइए क्यों, क्योंकि जब भी बीच में प्लस आता है तो पहले एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बताया, कोस थीटा ब्रैकेट में वहां पर प्लस आ रहा है तो इसलिए ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है 1 प्लस साइन थीटा, ये क्या है 1 प्लस साइन थीटा, तो मैं इसका होल स्क्वायर बनाऊंगा यहां पे, क्योंकि दोनों सेम है, तो ये इसका क्या बन जाएगा बेटा होल स्क्वायर, प्लस क्या आ जाएगा आपका ये कोस थीटा, मतलब कोस स्क्वायर थीटा, दोनों है ना सेम, तो कोस इंटू कोस हो जाता है कोस स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद मैं यहां पे इसका फॉर्मूला खोल दूंगा, इसका फॉर्मूला बनेगा देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है फॉर्मूला ए प्लस बी का, ठीक है। कहीं पर खोलना होता है कहीं पर नहीं, यहां पर खोलना पड़ेगा, बिना खोले हमारा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन का साइन स्क्वायर थीटा होता है, फिर 2 से गुना करूंगा तो क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। यदि आप लोगों को ये आइडेंटिटी खोलनी नहीं आती है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, एक्सपेंशन ऑफ एलजेब्रिक आइडेंटिटीज को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर क्या आ रहा है बेटा आप लोगों का कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे कुछ नहीं कहना, नीचे सेम चलेगा, ऐसे सवालों में ज्यादातर या तो नीचे ही सोल्व होता है ऊपर सेम चलता है, या फिर बेटा ऊपर ऊपर सोल्व करते हैं नीचे आपका सेम चलता रहता है, ठीक है। ज्यादा हाथ पैर नहीं मानने हैं, एक बार में एक स्टेप सोल्व करा करो, ठीक है। देखिएगा आपके पास ये क्या आ रहा है बताइएगा, अगर आपके पास देखो 1 तो ऑलरेडी था और मैंने प्लस 1 और लगा दिया, तो कहां से लगाया, क्योंकि जब भी आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा होगा वहां पे हमेशा 1 आएगा, प्लस का आपके पास 2 साइन थीटा चल ही रहा है, सेम रहेगा, और ये रहेगा कोस थीटा, ब्रैकेट में रहेगा 1 प्लस साइन थीटा,
ठीक है बेटा, एक अरे कितने होते हैं, दो होते हैं, तो मैं यहां पे क्या लिख लूंगा बेटा, दो लिख लूंगा, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 2 + 2 sin θ। समझ में आ रहा ना आप लोगों को? देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड इसमें कुछ भी नहीं है, ज्यादा हार्ड इसमें कुछ भी नहीं है, आपको बस एलसीएम लेना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी थी, होल स्क्वायर बनेगा, या तो 1 + cos का बनता है, 1 + sin का बना इस बार, तो 1 + sin का होल स्क्वायर खोला, cos स्क्वायर सेम, हमेशा आप देखेंगे जब भी ऐसा होगा तो एक बार में आएगा sin स्क्वायर, फिर आएगा cos स्क्वायर, वो हमेशा 1 हो जाता है, 1 ऑलरेडी था, 1 ये आ गया, बीच में आपका सेम, पूरा सवाल बिल्कुल सेम, 1 1 कितना होता है 2, उसका पूरा सवाल सेम, फिर दोनों में देखिए ऊपर कॉमन हो जाएगा, ऊपर दोनों में से 2 कॉमन है, ब्रैकेट में आपके पास 1 + sin θ बचेगा, आप दिमाग लगा लीजिएगा, आपका आंसर आ चुका है, cos थीटा है 1 + फिर से आएगा आपका बेटा sin थीटा, ये इससे क्या हो जाएगा आपका, बड़े ही आराम से कैंसिल हो जाएगा, और बेटा अब ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, sec थीटा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 sec θ, और इसे बोला जाएगा आपका RHS। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेटा वो आपको खुद से सोल्व करना पड़ेगा, ये है आपका sin थीटा, नीचे है 1 + cos θ। ठीक है बेटा, फिर ऊपर आपका फिर से है 1 + cos θ, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, और नीचे बचा है sin थीटा। ठीक है, सेम इसी तरीके से होगा, यहां पर आंसर आएगा cosec थीटा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब जो पार्ट नंबर 7 हमने बनाया था, क्लास 10th के लिए भी यूजफुल है, 11th 12th के लिए भी यूजफुल है, कोई भी बच्चा मैथ पढ़ा सबके लिए यूजफुल है, अब समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड टाइम।